जहां जहां भाजपा की सरकार है वहां हमारी बच्चियों के साथ, हमारी माताओं के साथ एकदम लगता है कि उनके शरीर नोच लेगा ये लोग। जो दृश्य मणिपुर में हुआ, कहां गया भाजपा के लोग? क्या माताएं बहनें उनकी अपनी बहन नहीं है क्या? क्या भाजपा की बहन के सामने अगर कोई ऐसा करेगा तो क्या अच्छा लगेगा क्या? कहां गई भाजपा की सरकार, कहां गए भाजपा के नेता? इस घटना से लेकर काफी आक्रोशित है हमारी जनता। झारखंड की एक एक महिलाओं ने निर्णय ले लिया है कि अगर कोई भी भाजपा को वोट करेगा, समझ लीजिएगा उसकी बच्ची के साथ भाजपा रेप कर रहा होगा। याद रखिएगा, इस तमाम लोगों से मैं कहूंगा कि एकदम भाजपा से दूरी बना के रखिए, मत पूछिए। एकदम अपनी बहनों का सम्मान चाहते हैं, समाज का सम्मान चाहते हैं, परिवार का सम्मान चाहते हैं, भाजपा से हटिए आप। देखिए, जेल से लौटने के बाद लगता है इरफान अंसारी का मानसिक संतुलन पूरे तरीके से गड़बड़ा गया है, तभी वो अनाप शनाप जो भी मन में आ रहा है वो बोल रहे हैं। और ऐसे भी इनका पिछला रिकॉर्ड भी देखें तो ये अपने आला कमान को खुश करने के लिए कुछ भी बोल दे रहे हैं। खास करके जब से इनकी गिरफ्तारी हुई है, ये अपनी लॉयल्टी साबित करने के लिए कुछ भी बोल रहे हैं और ये बहुत निंदनीय है। हम इसको बिल्कुल लाइटली नहीं लेते हैं। अभी हम मांग करते हैं इरफान अंसारी माफी मांगे, नहीं तो कानून सम्मत कार्रवाई करने की भी सोचेंगे। और प्रधानमंत्री ने मणिपुर की घटना को विभत्स बताया था और इस पर कड़ी कार्रवाई भी हो रही है, लेकिन जो पश्चिम बंगाल में हुआ, जो बिहार में हुआ और झारखंड में 5,500 से ज्यादा बेटियों के साथ बलात्कार हुआ, राजस्थान में सबसे ज्यादा बलात्कार की घटनाएं हुई है पूरे देश में, उस पर इरफान अंसारी मौन है। जाहिर तौर पर ऐसे जिहादी मानसिकता वाले लोग सिर्फ और सिर्फ नफरत की राजनीति करते हैं और सिर्फ देश में सांप्रदायिक उन्माद फैलाना चाहते हैं। हम मांग करते हैं कि ऐसे बयान देने के लिए इरफान अंसारी की अविलंब राज्य सरकार गिरफ्तारी करे और कानून सम्मत कड़ी कार्रवाई करे। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।